पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास की आगामी चुनावों में क्या रहेगी भूमिका? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 2 वर्ष के शासनकाल पर क्या कहा डॉक्टर गिरिजा व्यास ने? ऐसे ही कुछ सवालों को लेकर डॉक्टर गिरिजा व्यास से की हमने खास बात, देखिए हमारी ये खास पेशकश। आगामी समय में डॉक्टर गिरिजा व्यास जी की क्या भूमिका रहेगी? मेरी भूमिका संगठन जनता का काम करना है, और मैंने जिंदगी के हर दौर में मैंने एक एक प्रण लिया था, शासन में भी बहुत रही और आज 70 जब पार कर चुकी हूँ, तो मेरा उद्देश्य जनता जनार्दन की सेवा करते हुए, जो कांग्रेस का मूल उद्देश्य है, वो कांग्रेस पार्टी की सेवा करते हुए अंतिम सांस लूँ, ये मेरी अंतिम इच्छा है। क्या अब चुनाव लड़ने की आपकी? नहीं, मैंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी। उसके बाद पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, मैंने चुनाव के बाद, लेकिन मैं नहीं लड़ी थी। तो मूल उद्देश्य चुनाव उद्देश्य नहीं, जनता की सेवा ही मेरा उद्देश्य था पहले भी, और अब भी जनता की सेवा मेरा उद्देश्य है। ऐसा ही मानस और भी नेताओं को अपनाना चाहिए आपके मुताबिक? मेरा ख्याल है सभी लोग अपनाते होंगे, नहीं तो अपनाना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एक स्थिति आने के बाद हमें आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता साफ करके और रास्ता प्रशस्त करना चाहिए, और अपने इतने सालों का जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर हम राय दें, मशवरा करें, और विकास के काम और जनता की आवाज़ को सुनकर उसे हमारी सरकार तक पहुँचाएं। जी सर, बताएं क्या कहना है सरकार की छाया में, और आर्थिक मंदी के इस दौर के बावजूद 2 वर्ष पूरे होने पर यदि सरकार का लेखा जोखा हम करने बैठे हैं, तो सरकार को प्रशंसा ही देनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से पहली बात तो ये कि कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, वो अपने आप में अनूठा था, हालांकि बहुत मुश्किल सरकार को हुई थी इसके लिए, लेकिन काम करने पड़े। केंद्र सरकार ने इस आर्थिक मंदी के दौर में जो कुछ सहायता में मिलती है, वो सहायता को बंद कर दिया काफ़ी सीमा तक, काफ़ी हद तक, लेकिन उसके बावजूद भी विकास के जो कार्य होने चाहिए वो नहीं रुके। हालांकि यदि सरकार मदद करती रही, केंद्र सरकार करती रहती, तो शायद हम उससे ज़्यादा काम कर सकते थे। समेकित विकास जो हमारा लक्ष्य है, जिसमें आम गरीबों की शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उसको लेकर के जो कुछ हमारा उद्देश्य होता है, नौकरियां देना, जॉब देना, इसका कार्य करना, नरेगा का कार्य करना, ये सब कार्य भी सरकार करती रही, और हम आशा करते हैं कि आने वाले वर्षों में जो 3 साल लगे हैं, उसमें कोरोना की मार भी कम होगी और आर्थिक कुछ मदद भी केंद्र सरकार से मिले चाहे नहीं मिले, हमारी सरकार विकास करेगी, चाहे वो विकास हो चाहे समेकित विकास हो। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से क्राइम पर कंट्रोल करने की कोशिश सरकार कर रही है, और विशेषकर महिलाओं पर जो अत्याचारों की जो बाढ़ सी आ जाती है, जो जैसे यूपी वगैरह में देखने को मिलती है, उस तरह पर कंट्रोल किया गया है, और विशेषकर स्वास्थ्य में भी बहुत ध्यान दे करके, और कोरोना को ही नहीं बल्कि अन्य चिकित्सक सुविधाओं को भी बहुत बढ़ाया गया है, ये सब कार्य प्रशंसनीय कार्य है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है, वसुधा जी का भी कहना है कि सरकार कहीं दिखती नहीं है, जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, जिस तरह से आपराधिक अपराध बढ़े हैं, उसको लेकर काफ़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है राज्य में। मैं तुलना नहीं करना चाहती, क्योंकि महिलाओं को लेकर के मैं बहुत संवेदनशील, लेकिन वसुंधरा जी जरा अपने गरबान में झांक करके देखें, उनके कार्यकाल में जो हालात थी भारत की, राजस्थान की, उस हालत को देखते हुए काफ़ी कुछ कंट्रोल करने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है, और उसमें कामयाब साबित हुआ है। उसी तरह के विकास में भी केंद्र सरकार की मदद के बावजूद भी जो आवश्यक कार्य है वो हो रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। सरकार का काम काज आपके मायनों में अच्छा चल रहा है, लेकिन संगठन की स्थिति देखी जाए, संगठन की स्थिति काफ़ी एक कमज़ोर सी दिखी है इन पंचायती चुनावों में, और कार्यकारिणी
विधिवत रूप से नहीं बनना और नियुक्तियों जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार है, वो भी काफी लंबित हुआ है। क्या आपका मानना है इसमें? मेरा आपसे खास करके निवेदन है कि कोरोना के मार के कारण क्योंकि लोगों की जान बचाने हमारी प्राथमिकता थी और इसलिए निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत प्रभाव हमारे संगठन उसके विलंब में हुआ, लेकिन जान बचाना प्राथमिकता होनी चाहिए जो हुई भी। लेकिन सरकार मैंने कहा कि आने वाले 3 वर्ष उनके पास है और इन 3 वर्षों के बाद फिर सरकार हमारी बनेगी निश्चित तौर पर, लेकिन इसमें जो कार्य करेगी वो उसकी 2 साल की पूर्ति भी होगी, चाहे वो विकास के कार्य हों, चाहे महिलाओं की सुरक्षा और दूसरे अन्य सुरक्षा की बात हो, और चाहे विकास और समय के विकास हो। विभिन्न मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेर रही है, राज्य सरकार को। क्या आप मानते हैं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मुद्दों को लेकर आगे आ रही है उसका आने वाले चुनावों में कोई असर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी का एक कार्य रह गया कि सरकारें जहाँ जहाँ हमारी हैं उन सरकारों को गिराने का प्रयास करना। कितनी बार मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं और सामने भी दिखता है कि ये जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का देख लो, चाहे यहाँ का देख लो, और उन्होंने मध्य प्रदेश में तो करके भी दिखा दिया, दूसरी जगह भी करके दिखा दिया, उत्तराखंड में करके दिखा दिया। तो इस प्रकार से हमारी सरकारों को एक तरह से अस्थिर करने की दृष्टि से ये इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अपने गिरबान में यदि केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी देखे तो आज किसानों के कारण जो देश की हालत हो गई है, जिस तरह से किसान मर भी रहे हैं, आज भी किसान ने आत्महत्या, आज एक गुरुद्वारे के प्रबंधक ने आत्महत्या की, इसी उससे कि सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार को गरीब की चिंता नहीं, सरकार को विकास की चिंता नहीं, सरकार को केवल एक बात की चिंता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, कि वो ये इन प्रकार हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं उन सरकारों को गिरा करके और खुद शासित हो, या तो फर्जी वोट के द्वारा या लोगों को खरीद करके किसी तरह से ये इन प्रकार हैं आने का प्रयास करते हैं और उसमें कामयाब नहीं हुए तो ये पिछले दरवाजे से आने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारी सरकार और हमारा संगठन निश्चित तौर पर उनके इन मंसूबों को पूरा नहीं होने देगा। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस में एक नाराजगी और गुटबाजी उत्पन्न हुई थी और उसको लेकर पंचायती चुनाव में बहुत भारी असर पड़ा था, चाहे गुजर बाहुल इलाका हो या वल्लभ नगर का इलाका हो या और कोई राजस्थान में इलाका हो जहां पर सरकार के प्रति जो कांग्रेस में ही नाराजगी दिखी उसमें काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ा। आने वाले समय में क्या संगठन में प्रयास किए जाएंगे ताकि ये नाराजगी दूर हो? संगठन ने प्रयास अपने जारी रख दिए उसी दिन से। मुख्यमंत्री भी चिंतित हैं, अध्यक्ष भी चिंतित हैं और हमारे केंद्र की जो हमारी हाईकमान है वो लोग भी चिंतित है इस बात को लेकर के कि कहीं पर भी किसी राज्य में भी केंद्र में भी कहीं पर असंतोष नहीं होना चाहिए बल्कि उनको सुलझाना लेना समय पर। हमारे यहाँ पर सब कुछ ठीक है और मैं दोनों ही नेताओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने सुलझ के साथ, समझ के साथ, समय रहते हुए अपना सुलह कर दी, क्योंकि बात केवल ईगो की नहीं होती और ये ईगो की बात थी भी नहीं, बात थोड़ी सी समझ की थी जिसको उन लोगों ने समझ लिया। दोनों समझदार नेता हैं, सब समझदार नेता हैं, इसलिए मैं अपील करूंगी कि सब एक साथ मिलकर के करें ताकि भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे को हम लोग कामयाब न होने दें।